But they have unfortunately passed on elsewhere. Harshad is a very nice guy, but you know what? He's a piece of shit because he always takes the wrong angle. No, I like Harshad Chan, bro. He took me for 2 days of why you such a shit. Why? Hey, fest. पता है मैंने मीठी भाई का ना बहुत नाम सुना है दिल्ली में रहते हुए भी मेरा हमेशा सता मैंने कहा यार ये कॉलेज मैंने कहा यहाँ की वाइब जरूर चेक करनी है लाइफ में मेरे को Oh hey, what up everyone, this is Harshad, welcome back to a new video. So, welcome back to a new vlog. So, this is basically Mithi Bhai Kshitij's vlog. So, basically Kshitij is the fest of Mithi Bhai College, which is in Mumbai. तो या फेस्ट में आपको पता है ना एक एनएम कॉलेज का फेस्ट का व्लॉग बना जो उमंग था तो पूरा फेस्ट में जैसे कि डीयू में अगर काफ़ी लोग पता डीयू में बहुत बड़े फेस्ट होते हैं बट बॉम्बे की भी काफ़ी मेजर फेस्ट एंड मिठी भाई क्षेत्र वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट ऑफ बॉम्बे एंड इवन एशिया भी वन ऑफ द ग्रोइंग फेस्टिवल बोला जाता है तो पूरे दिन फेस्ट चलता है 4 दिन का होता है ये इवेंट वगैरह होते हैं कॉम्पिटिशन होते हैं बिटवीन कॉलेजेस एंड रात को प्रो नाइट्स होती हैं बेसिकली फूड स्टॉल्स वगैरह होते हैं तो बेसिकली मैं तो फिर जितने 3 या 4 दिन जितने सारे दिन के रात को ये प्रो नाइट्स वगैरह मेजर इवेंट में बाकी तो कॉम्पिटिशन होते हैं लाइक आपका म्यूजिक से डिफरेंट टीम लाइक डिफरेंट कॉलेज से टीम्स आती हैं डांस के कॉम्पिटिशन होते हैं एंड बहुत सारे एक्टिविटीज वगैरह होती है तो फर्स्ट प्रो नाइट फर्स्ट डे पे सुनिधि चौहान आने वाली थी एंड बेसिकली बहुत फर्स्ट डे था एंड फर्स्ट डे मेरे को लगता है काफी अच्छे से मैनेज था क्योंकि फर्स्ट डे जितना टाइम दिया गया था आर्टिस्ट आने वाले उतने टाइम पे आया क्या बोलूं हम व्लॉग में क्या बोलूं ये करने के लिए मेरे को ले मैं क्या बोलता हूं एनीथिंग All right, Kshitij, I'm so happy, so happy to be associated with Red Bull and you guys. I'm so excited to be here. Are you? To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my Okay, so guys, it's day 2. So day 1 तो काफ़ी अच्छा था day 1 वो सुनिधि चौहान प्रो नाइट वगैरह मैं जो इवेंट्स वगैरह डांस वगैरह हो रहे हैं जो होते हैं फैसे वो सब मैं नहीं जा रहा हूँ कल लास्ट डे मतलब लास्ट डे नहीं है बट सेकेंड लास्ट डे बट प्रो नाइट का लास्ट डे जो कि किंग आ रहा है उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बट एंट्री बहुत मुश्किल है लाइक मेरी हो जाएगी तब बिल सी मेरे कितने फ्रेंड्स की होती नहीं होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है फेस्ट में एंट्री का अभी प्रो नाइट में स्पेशली तो अभी आज तो जावे दिल्ली आज एंट्री थोड़ी स्मूथ लग रही है लेट सी उधर जाके पता चलता है जो मेरे फ्रेंड्स हैं अभी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में उन्होंने तो वो बताया कि लाइक इट्स स्मूथ बाकी लेट सी क्या होता है बाकी दिस इज माय ओटीडी फॉर टुडे तो या Anything you would like to say for the vlog? Nothing. You take from. Please, you take please. Your vlog from very bad angles, and I hate you for it. But they have unfortunately passed on elsewhere. Harshad is a very nice guy, but you know what? He's a piece of shit because he always takes the wrong angle. No, I like Harshad Chan. He took me for 2 days of why you such a shit. Why? तो सेकेंड डे जो आर्टिस्ट जावेद अली आना था वो काफ़ी लेट आया टाइम के स्केड्यूल तो हम फिर टाइम पास करने लगे स्टॉल्स वगैरह के जो हमारे फ्रेंड थी हर्षित था वो रैंडम पीपल जाके बात कर रही थी एंड थोड़ा ऐसी फन वगैरह कर रहे थे और स्प्लिट पर्सनैलिटी वगैरह थोड़ा ये ड्रामे वगैरह कर रहे थे फन कर रहे थे स्टॉल्स वगैरह देखे थे खाना वाना खाया थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह पिए एंड रैंडम लोगों से कुछ भी बातें कर रहे जाके एंड कुछ भी लिटरली कुछ भी बातें हो रही थी पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया लोगों कुछ इशू भी था रिकॉर्ड करने से इसलिए फिर मैं सोचा छोड़ो क्या ही रिकॉर्ड करूँ पूरा फिर फाइनली
आफ्टर मतलब बहुत 2-2.5 घंटे लेट हो गया उसके बाद फाइनली जावेद अली अराइव्ड एंड बस उसके बाद तो फिर स्टार्ट हो गया कॉन्सर्ट एंड बहुत मुझे तो अच्छा लगा. सबसे ज़्यादा लीस्ट एक्साइटेड था बट मुझे अच्छा लगा. उसके बाद सोचा कि प्रो नाइट के बाद कॉन्सर्ट करके हम निकल गए क्लबिंग जाते हैं. तो क्लबिंग के लिए हम निकले तो थे बट लेट हो गए कॉन्सर्ट से लेट निकले. सबसे बहुत कुछ हुआ, बहुत ड्रामा हुआ उस रात को. तो फिर तो हमें एंट्री इन शॉर्ट नहीं मिली अंदर क्लब के अंदर, तो क्योंकि अराउंड 10:30 पहुँचे थे, गेस्ट लिस्ट बंद हो गई थी. फिर वही टॉय रूम गए थे क्लब, तो टॉय रूम में वही अपना होटल साथ में हयात है तो उधर वही टाइम पास थोड़ा वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, घूमे वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल ही कुछ नहीं. रात को मस्ती कर रहे थे क्योंकि एंट्री क्लब में मिली. फिर फाइनली डिनर करने चले गए बैंड्रा में नट क्रैकर में एंड वो अच्छा था. फाइनल डे था तो देखो पहले तो हम बहुत जल्दी एंट्री नहीं पड़ी क्योंकि ऑब्वियसली पास वास नहीं, हम थोड़े अलग सोर्सेज से गए तो काफ़ी जल्दी एंट्री हमारी. किंग आना था 8 बजे, ऑलमोस्ट हम 4 बजे पहुंच गए. तो टाइम पास करे, स्टॉल्स वगैरह, फन गेम्स वगैरह खेले. उसके बाद सारे प्रमोशन चल रहे थे आपके, अनुराग कश्यप वगैरह आए थे मूवी के लिए, फिर रकुलप्रीत सिंह, फिर आपका भुवन बैम भी आए थे अपने जो लेटेस्ट वेब सीरीज ज़्यादा खबर के प्रमोशन के लिए. एंड किंग तो पता ही था भैया लेट आना ही है क्योंकि जावेद अली लेट हो तो किंग तो हॉल लेट होगा. लेकिन काफ़ी रश था, क्राउड बोल रहे थे अच्छा नहीं हो किंग में बट अच्छा था क्राउड भी, नॉट बैड मेरे को अच्छा लगा. रश इतना नहीं था, अच्छे से मैनेज था. एनएम जो उमंग हुआ था वो बिल्कुल मैनेज नहीं था एंड ऑन द देन बहुत अच्छे से मैनेज था. दो स्टेज थी, मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो बहुत अच्छा फेस्ट था. ऑर्गेनाइज वगैरह, क्राउड मैनेजमेंट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से हुआ था. इतना वो भसड़ नहीं मची थी, स्टैम्पेड वगैरह नहीं हुआ. पता है मैंने मीठी भाई का ना बहुत नाम सुना है दिल्ली में रहते हुए भी. मेरा हमेशा सता, मैंने कहा यार ये कॉलेज, मैंने कहा यहां की वाइब जरूर चेक करनी है लाइफ में मेरे को. I'm gonna make you mine.